खुशियों का त्योहार दिवाली, माँ लक्ष्मी से वरदान पाने का त्योहार है दिवाली। अगर इस मौके पर सही विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना कर ली गई तो साल भर घर धन धान्य से भरा रहता है, घर में खुशहाली आ जाती है। बस पूजा के विधान का खास ध्यान रखना होता है। पूजा के विधान की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा का मुहूर्त होता है, क्योंकि आपने पूजा की तैयारी तो विधि विधान से कर ली लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं की तो यकीन मानिए पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा हमारे धर्म के जानकारों का कहना है। तो चलिए हम आपको एक काम को कर देते हैं आसान और बताते हैं कि इस बार दिवाली पूजा में क्या है खास और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को यानी 12 नवंबर 2023 को एक दो नहीं बल्कि चार चार पूजा के मुहूर्त हैं। जी हाँ, सही सुना, इस बार दिवाली पूजा के चार मुहूर्त माने हैं। अभी तक आपने सिर्फ शाम की पूजा के मुहूर्त के बारे में ही सुना होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस बार दिन भर में चार ऐसे मुहूर्त हैं जब आप पूजा करके माँ लक्ष्मी का वरदान पा सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 7:16 से 9:34 तक वृश्चिक लग्न में है, जिसमें पूजा करना शुभ माना जाता है। जबकि पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:20 से शुरू है और 2:46 तक कुंभ लग्न में है। तीसरा मुहूर्त सायंकाल का है, जिसमें पूजा की सबसे ज्यादा मान्यता है। इसी काल में सबसे ज्यादा लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इस बार सायंकाल की पूजा का मुहूर्त वृष लग्न में शाम 5:39 से लेकर 7:34 तक है, यानी करीब इस 2 घंटे के बीच अगर आपने नियम पूर्वक माँ की आराधना कर ली तो यकीन मानिए आपके घर माँ लक्ष्मी जरूर पधारेंगी। चौथा शुभ मुहूर्त रात्रि काल का है, जो सिंह लग्न में रात 12:11 से शुरू होकर रात 2:31 तक रहेगा। ज्योतिष की माने तो दिवाली के इन सभी शुभ स्थिर लग्न में पूजा करना फलदायी होता है, माँ की अपार कृपा बरसाने वाला होता है। इसके अलावा शुभ लाभ और अमृत की चौघड़िया में भी पूजा करने का विधान है। 12 नवंबर को रात 4:40 से 6 बजे तक राहु काल है, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की तो आपको इस दिवाली पूजा का पूर्ण फल मिलने वाला है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।